द यूनिक हब एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गुजरात में तोकते चक्रवात के बाद देश के पूर्वीय तटीय क्षेत्र में एक और चक्रवात तबाही मचाने के लिए आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस चक्रवात का नाम है यास और इस चक्रवात का नाम ओमान देश ने दिया है, जिसका अर्थ होता है निराशा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव बनने के कारण यह चक्रवात आ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात 26 मई की शाम तक बंगाल और ओडिशा के तटों तक पहुंच सकता है और यह चक्रवात की रफ्तार अधिक तेज हो सकती है। इस दौरान हवा 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा से चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात का सबसे ज़्यादा असर तटीय ओडिशा और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। वहीं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार यह द्वीप समूह में भी इसका प्रभाव दिखाई देने की आशंका है। इसके अलावा झारखंड और केरल के तटीय इलाकों के कुछ हिस्से भी चक्रवात की तूफान से प्रभावित हो सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान तेज हवाएं चलने और भारी बारिश होने की संभावना है। चक्रवाती तूफान यास असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक 26 और 27 मई को दोनों राज्यों के अधिकतर इलाकों में भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। यह तूफान को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में ना जाने की और किनारे पर ही रहने के लिए कहा गया है। तटीय इलाकों में लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को सतर्क किया जा रहा है। पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलवे ने 25 से 27 मई तक विभिन्न ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल में आए तूफान अम्फान की वजह से कई लोगों की जान गई थी और करोड़ों का नुकसान भी हुआ था। इस तूफान से बचने के लिए राज्यों की सरकार, भारतीय नौसेना और वायुसेना ने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी है। खतरे को देखते हुए ओडिशा के तटीय जिलों में हाई अलर्ट कर दिया है। ओडिशा के 4 तटीय जिले बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा तथा जगतसिंहपुर और पश्चिम बंगाल के खास तौर पर मिदनापुर, सुंदरवन और आसपास के इलाके इस तूफान की वजह से ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। NDRF समेत नौसेना, वायुसेना व केंद्रीय एजेंसियों तथा बंगाल और उड़ीसा की सरकारों ने इस चक्रवात से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। नौसेना ने राहत कार्यों के लिए 4 युद्धपोत और कुछ विमान तैयार कर लिए हैं, जबकि वायुसेना भी 11 परिवहन विमानों और 25 हेलीकॉप्टर के साथ मुस्तैद रहेगी। इस तूफान को साल 2019 में आए अम्फान तूफान की तरह बताया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत को कई तूफानों का सामना करना पड़ा है। जो तूफान देश से टकराए हैं, उनमें से फैनी, अम्फान और निसर्ग भी शामिल है। दोस्तों, आप सब ने जाना कि किस तरह यह तूफान भारत में आ सकता है और तबाही मचा सकता है। हम तो बस उम्मीद और प्रार्थना कर सकते हैं कि दूसरे तूफानों की तरह ये तूफान ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए और हमें जान माल की भी ज़्यादा हानि ना हो। दोस्तों, आपको अगर हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।